ग्राम डुमरी हरकटुआ जमौली बजरी पिजारी ये सभी जंगल की तराई में बसा हुआ थरुवट है जो जंगली जानवर से हमेशा परेशान रहते हैं। कभी बाघ तो कभी भालू लोगों को मार डालता है तो ज़्यादा तौर पर नीलगाय फसलों को नष्ट करता रहता है पर लोगों को मुआवजा के तौर पर किसी प्रकार की सहायता वन विभाग की तरफ से नहीं मिलता है और लोगों जानवरों की जनजात स्वभाव समझकर चुप हो जाते हैं। दिनांक 21/12/2013 को ग्राम डुमरी में रात में करीब 8 बजे ब्रिजेश खोजवार के घर को जंगली हाथी ने पूरी तरह से गिरा दिया। लगभग 8 बजे करीब में आई हमारे घर उजाड़ दिलक जंगली हाथी आ चावल गेहूँ जौन रहे 2-3 क्विंटल चावल रहे उजाड़ दिलक सब वह में घर और पूरा घर पलट दिलक घर पलट पलट दिलक आ पूरा गेहूँ दाल चावल सब खा लेलक और सोलर बैटरी पूरा फोड़ दिलक। हम गरीब आदमी ये हालत में हम कहाँ जाए। ग्रामीण के मदद से हाथी को भगा दिया गया जो भागने के क्रम में कई गांव की क्षति पहुंचाते हुए ग्राम मटेरिया में एक महिला को कुचलकर मार डाला जिसे थरूर के पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जब भटाक सिंह कहलक तो उठ के सारा परिवार के लेके भगनी है ये था। भाग के स्कूल में गई नहीं जा बुढ़िया बुढ़िया हाथी के झपटल हाँ झरलक गिर के आकर प्राण बहर गई हाँ सड़क के जरी हमनी भाग के चल गई जाए स्कूल में। जिस समस्या को लेकर पीड़ित ब्रिजेश खोजवार बहुत परेशान थे तब मैंने उन्हें आश्वासन दिया और आवेदन लेकर मंगराहा क्षेत्रीय फॉरेस्ट कार्यालय में पहुंची। फॉरेस्ट ने सपोर्ट करते हुए अंचल कार्यालय में आवेदन करने की प्रक्रिया बताए। तब अंचल कार्यालय में जाकर 23/12/2013 को आवेदन करते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की। अंचल अधिकारी ने दिनांक पत्रांक देते हुए कहा कि आप लोग की मुआवजा मिल जाएगा। ठीक 16 जनवरी को वन विभाग से खबर आया कि ब्रिजेश खुजर की मुआवजा आ गया है। 17 जनवरी को वितरण किया जाएगा जहां ACF श्री संतोष तिवारी के द्वारा पीड़ित ब्रिजेश खुजवार तथा मृतक जानकी देवी के परिजनों को चेक प्रदान किया गया। गांव के लोग कुछ ना मिले सहयोग देने ये कहने बताइने अगर मिलला थे क्षतिपूर्ति चेक मिलने के बाद हमारे खुशी भाई धन्यवाद। मीडिया का सहयोग से पैसा थोड़ी मैंने मौजा मिल गई हमारे महतारी के लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। कितना मौजा रुपये मिला? हाँ मौजा कितना मिलल 1,90,000 ओकरा बाद में घर नचाई के 10,000 2,00,000 में। हाँ लिखित आवेदन करते हुए पीड़ितों को राहत के लिए मुआवजा दिलाने में सफलता पाई। मैं तंजू पश्चिम चरण बिहार से इंडिया नहर के लिए।